सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेरोके के पिटिक्स। तो गाइस कैसे हो आप सब? मैं देखे बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग 2022 एक T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन और पार्थ स्कोचर वुमेन के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 17 अक्टूबर को इंडिया टाइम के अनुसार 1:35 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी ब्लैक टाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक कर लेते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन की बात करें तो 5 मैच में से 3 मैच विन है और 2 मैच लॉस करके आ रही है। तो वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कोचर वुमेन की बात करें तो 5-5 अपना मैच विन करके आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम फॉर्म। अब चलते हैं फ्रेंड्स हेड टू हेड देखते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो होवर्ड हुरिकेन्स की बात करें तो 2 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर्थ स्कोचर वुमेन 8 मैच जीत के आ रही है। ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स तो टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के बीच में 10-10 मैच प्ले करके आ रही है। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन का 50% है, तो वहीं पर्थ स्कोचर वुमेन का 80% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन का 128 है, तो वहीं पर्थ स्कोचर वुमेन का 130 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन का 161 है, तो वहीं पर्थ स्कोचर वुमेन का 194 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन का 94 है, तो वहीं पर्थ स्कोचर वुमेन का 89 है। ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन। अब चलते हैं फ्रेंड्स वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो क्लाउडी रहेगी, 16.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 87% रहेगी, वहीं 65% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स पिच की ओर। तो इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 121 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पे अभी तक 22 मैच खेले गए, जो काफ़ी ज़बरदस्त मैच है। काफ़ी अच्छी पिच है, स्लोअर पिच है। जो भी टीम अगर टॉस जीतकर बॉलिंग करती है तो मैच काफ़ी अच्छा चेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पिच है। तो फाइनली हमने अभी पिच रिपोर्ट की बात कर ली है। तो फाइनली हमने पूरी मैच एनालाइज किया। बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन की बात करें तो काफ़ी अच्छी टीम है, बट यहाँ पर होवर्ड हुरिकेन्स को बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली मैच की रिकॉर्ड देखे पिछले मैच में कुछ बॉलर कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। वहीं बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कोचर वुमेन की बात करें तो काफ़ी अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर दोनों का मैच होने वाला है 80-20, जो काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगी और वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो होवर्ड हुरिकेन्स वुमेन के की प्लेयर हैं एलिस विलानी, रूथ जॉनस्टन, मिगनोन डुप्रीज, नाओमी स्टेबर्ग। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कोचर वुमेन की प्लेयर की बात करें तो चैरिस बेकर, सोफी डिवाइन, मैडी डार्क, मैडी ग्रीन। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर्स। अब चलते हैं फैंस विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पर्थ स्कोचर वुमेन हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।